गाइस अगर चैनल पे नए हो ना तो वो जो रेड सब्सक्राइब बटन है ना उसको जल्दी से हिट कर दो एंड वो जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दो ताकि आप भी बन जाओ मेरी यूट्यूब फैमिली के एक हिस्सा। तो एज यूजुअल मैं अपनी मेकअप स्टार्ट करूंगी एक प्राइमर से। तो एक प्राइमर को लेकर मैं अपनी फिंगर्स के हेल्प से इसको अच्छी तरह से स्किन में ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ एक बीबी क्रीम, लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा कवरेज चाहिए तो यू शुड गो फॉर अ फाउंडेशन। एंड मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से इस बेबी क्रीम को अपनी स्किन में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एक्चुअली उस टाइम पर मुझे मेरा ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हाथों से ही आज ब्लेंड कर लूँ। बाय द वे ये पॉन्स का बेबी क्रीम है एंड इसमें मेरा शेड है मीडियम। बट डोंट वरी, जो भी प्रोडक्ट्स आज मैं यूज़ करूँगी उसका नेम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूँगी, सो यू कैन चेक। तो अब मैं अपनी बीबी क्रीम को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का। अच्छा तो नेक्स्ट बारे आते हैं ब्राउज को फिलअप करने की एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी का आईब्राउ पेंसिल इन द शेड ब्लैक। एंड छोटे छोटे स्ट्रोक में मैं अपनी ब्राउज को फिलअप कर रही हूँ एज यू कैन सी। So this is the Maybelline Color Sensational Creamy Matte Lipstick in the shade Rich Ruby and इसको मैं अपनी eyelids पे as a eyeshadow लगा रही हूँ। Lipstick works like a cream eyeshadow, you know. So इसको अच्छे से blend करना भी बहुत ज़रूरी है। Then मैं इस lipstick eyeshadow को set करने के लिए वही सेम कॉम्पैक्ट को यूज़ कर रही हूँ ताकि ये जो लिपस्टिक आई शेडो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। देन मैं एक शिमर डस्ट ले रही हूँ एंड ये गोल्डन कलर का है एंड इसको मैं अपनी सेंटर ऑफ द आईलिड्स पर अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसको अप्लाई करने के बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई हार्श एजेस ना रहे एंड सब कुछ स्मूथ दिखे। नेक्स्ट अपने इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन्स को हाईलाइट करने के लिए भी मैं वही सेम गोल्डन शिमर डस्ट को ही यूज कर रही हूँ एक छोटी सी ब्रश की हेल्प से। एंड यू नो जो भी फॉल आउट्स हुआ है शिमर डस्ट की उसको मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर दूंगी लाइक सो। नेक्स्ट आईलाइनर के लिए मैं एक पेन लाइनर को यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप पेन लाइनर में कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन गो फॉर अ लिक्विड लाइनर और अ जेल लाइनर एज योर चॉइस। आज मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ यू नो थोड़ा सा अरेबिक स्टाइल में लाइक बोल्ड एंड क्लासी। अरेबियंस जो होते हैं वो थोड़ा सा बोल्ड लाइन ड्रॉ करना पसंद करते हैं एंड उसको इनर कॉर्नर्स की तरफ एलाबोरेट भी करते हैं जैसे कि मैं करी हूँ। एंड अभी मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ एंड आज मैं काजल भी थोड़ा सा थिक लगाऊंगी। ऑलराइट सो अब मैं एक मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, तो क्योंकि मैं कोई भी फॉल्सेस यू नो नहीं लगाऊंगी तो मैं मस्कारा का 2-3 कोट एक्स्ट्रा लगाऊंगी, लेकिन अगर आपको फॉल्सेस बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उसे लगा सकते हो एज योर चॉइस। नेक्स्ट एक लिप क्रेयॉन को मैं अपनी ब्लश की तरह यूज़ कर रही हूँ एंड ये लिप क्रेयॉन लैक्मी का है एंड इसको मैं एज अ क्रीम ब्लश लगा रही हूँ एंड अच्छी तरह से ब्लेंड भी कर रही हूँ एज यू कैन सी। नेक्स्ट फेस को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए मैं एक ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज द लैक्मी एब्सोल्यूट ब्रॉन्जर। तो इसको मैं अपनी हॉलोज ऑफ द चीक्स एंड अंडर द जॉ लाइन्स पर अप्लाई करूँगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से लाइक सो। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो इसलिए अगर आपको कोई भी नॉइज सुनाई दे तो प्लीज़ इग्नोर दैट। अच्छा तो नेक्स्ट मैं लगाऊंगी एक हाइलाइटर एंड दिस इज़ द मेबेलिन मस्टर्ड क्रोम हाइलाइटर एंड इसको मैं अपनी चिक बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज, फोर हेड्स, क्यूपिड्स बो, चिन सारी यूजुअल प्लेसेस पर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर को मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फिंगर्स से ही अप्लाई करती हूँ। अच्छा तो नेक्स्ट बारी आते हैं लिपस्टिक की एंड लिपस्टिक के लिए मैंने चूज़ की आज एक लिक्विड लिपस्टिक एंड दिस इज़ द NY बे लिक्विड लिपस्टिक। ये मैट है एंड इसमें मेरा शेड है 6।
काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग एंड मैट लिपस्टिक है एंड इसको purple.com से ईजिली परचेज कर सकते हो। तो लास्ट में एक बिंदी लगा के अपने आज का ये वाला ईद मेकअप लुक को फिनिश करूंगी एंड दैट इज द फाइनल फिनिश लुक। सो आई रियली होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो एंड इफ रियली दैट देन प्लीज़ मुझे एक थम्स अप ज़रूर दे देना एंड इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मैं तो लौटूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो पर लेकर नया कुछ वीडियो, नया कुछ कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर एंड बाय।